कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू मॉन्स्टर हंटर। तो कल के लास्ट प्ले थ्रू से ही हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो अभी मेरे स्क्रीन पे, मेरे कैरेक्टर के थोड़ा सा भेस बदला हुआ है। तो मैंने क्या है ना, मैंने गेम को थोड़ा और आगे तक खेला। तुमने कुछ मिस नहीं किया है, बेसिकली कुछ कट सीन्स वगैरह, कुछ स्टोरीज वगैरह है जो इतने खास मायने नहीं रखते। वही उनके रेगुलर जो स्टोरी लाइन रहती है कि क्या कहते हैं, कैंप लगाओ तो मॉन्स्टर को मारो, कुछ करो तो मॉन्स्टर को मारो। तो अभी भी ज़ोरा मैकडरोस के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अलग अलग मॉन्स्टर को कहने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन से दो नए मॉन्स्टर हम लोगों ने अनलॉक करे हैं, और उन मॉन्स्टर्स को मैं और दो तरह के वेपन से हंट करके दिखाऊंगा। तो यार, अगर मैं पोस्ट न्यू क्वेस्ट में जाऊँ और ऑप्शनल में जाता हूँ, तो तुम देख सकते हो हमने लेवल 3 ऑप्शनल क्वेस्ट भी अनलॉक कर लिया है और लेवल 2 भी अपने पास है। तो दो तरह के नए मॉन्स्टर हमने अनलॉक करे हैं। पहला है कुलू याकू, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, और नेक्स्ट है पुके पुके, जो लास्ट टाइम हमने कटसीन में जिस मॉन्स्टर को देखा था, उस मॉन्स्टर को आज हमें हंट करना है। तो ऐसा करते हैं, हम कुलू याकू से शुरू करते हैं और दो तरह के वेपन से कुलू याकू को हंट करेंगे, और दो अलग तरह के वेपन से हम लोग पुके पुके को हंट करेंगे। तो यार देखते हैं कौन सा वेपन कुलू याकू के लिए यूज़ करना है। तो यार काफ़ी सारे नए वेपन्स मैंने क्राफ्ट किए हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो नए आर्मर्स भी है। तो मैं तुम्हें आर्मर्स के बारे में भी कुछ बताऊँगा इस हंट के बाद, या फिर एक काम करते हैं, पहले आर्मर के बारे में ही जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग हंट पे चलेंगे। तो अभी मैं जाता हूँ स्मिथी के पास। तो ये मैंने ले ली लिफ्ट। तो आर्मर इस गेम में सिर्फ तुम्हारे डिफेंस को ही नहीं, तुम किस तरीके से गेम प्ले को खेलते हो, किस तरीके से तुम्हारा प्ले स्टाइल है, उसको भी अफेक्ट करता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तो मैं गया फोर्ज इक्विपमेंट, फोर्ज आर्मर पे, और जैसे कि देख सकते हो हमने काफ़ी सारे आर्मर अनलॉक कर रखे हैं, और भी काफ़ी सारे आर्मर हम लोग अनलॉक करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने पहले इक्विप कर रखा था ये लेदर वाला आर्मर, लेकिन अभी तुम देख सकते हो मैंने इक्विप कर रखा है कुलू याकू का आर्मर, और हमने पुके पुके के भी कुछ पार्ट्स वगैरह अनलॉक करे हैं। तो इसमें जैसे कि मैं हवर करता हूँ, तुम देख सकते हो आर्मर के अपने डिफेंस तो है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ आर्मर स्पेसिफिक स्किल्स भी मिलते हैं। जैसे कि लेदर में हमें मिल रहा है हंगर रेजिस्टेंस। तो इस गेम का मैकेनिक है ना कि जैसे जैसे तुम हंट पे या फिर एक्सपेडिशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हारा स्टैमिना बार धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि तुम धीरे धीरे भूखे होने लगते हो, जिसकी वजह से तुम्हें बार बार बारबेक्यू स्प्लिट को ओपन करके खाना वगैरह खाना पड़ता है। और ये चीज़ अगर हंट के बीच में हो गई तो समझो तुम ख़त्म। तो हंगर रेजिस्टेंस इस चीज़ पर हेल्प करता है कि तुम कितनी जल्दी फिर से भूखे होते हो। उसी तरीके से अलग अलग आर्मर के अलग अलग स्किल्स है, जैसे कि सेंट हाउंड और हॉर्न माइस्ट्रो, स्लगर। स्लगर का मतलब है तुम मॉन्स्टर को जल्दी स्टन कर सकते हो। अटैक बूस्ट, नाम ही कहता है ये क्या करता है। स्पीड ईटिंग, यानी कि तुम पोशंस वगैरह बहुत जल्दी कंज्यूम कर सकते हो। अगर किसी भी आर्मर स्किल्स का तुम्हें मतलब समझ नहीं आता ना, तो तुम यहाँ पर ऑप्शन में जाके देख सकते हो कि वो आर्मर स्किल करता क्या है। जैसे कि इंटिमिडिएटर, डिस्करेजेस मॉन्स्टर फ्रॉम एंगेजिंग यू इवन इफ यू हैव बीन स्पॉटेड। तो बेसिकली अगर तुम दिख भी गए मॉन्स्टर को, तो वो तुम्हारे साथ एंगेज नहीं करेंगे, मतलब जल्दी से एग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। और इंटिमिडेटर लेवल 3 अगर तुम्हें मिल गया, तो जब तक तुम मॉन्स्टर को एग्रो नहीं करते हो, यानी कि तुम जब तक मॉन्स्टर को हिट नहीं करते हो, वो तुम्हें हिट नहीं करेगा। तो देखते हैं और क्या क्या स्किल्स है यहाँ पर। जैसे कि हम देख सकते हैं कोट में इंटिमिडेटर लेवल 1 है। तो तुम अगर कोई ऐसा और आर्मर ढूंढते हो जहाँ पर इंटिमिडेटर का एक और पॉइंट होगा या फिर एक और स्किल पॉइंट होगा, तो तुम उन स्किल पॉइंट्स को स्टैक कर सकते हो, और तुम्हारे डिफेंस और ऑफेंस के साथ तुम्हें वो स्पेसिफिक स्किल भी मिलता है। तो यार ये हो गया आर्मर के बारे में। आर्मर के बारे में हम लोग और जानेंगे जैसे जैसे हम गेम को आगे खेलेंगे। तो सबसे पहले तो यार कुलू याकू के हंट में चलते हैं। तो अभी मैंने इक्विप कर रखा है लांस, तो कुलू याकू को मैं लांस से नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा डिफेंडर स्विच एक्स। ये एक नया वेपन है जो शायद मैंने पुराने एपिसोड में ना दिखाया हो। तो स्विच एक्स कर लिया है हमने इक्विप, और चलते हैं कुलू याकू के हंट पे।
जैसा कि तुम ऑलरेडी सोच रहे होगे, मैं गेम के अंदर मील खाना भूल गया, जिससे कि मेरा स्टैमिना कम हो सकता है। तो इस गेम में एक और फीचर है, जैसे ही तुम कैंप के पास पहुंचते हो ना, तुम्हें यहाँ पर एक स्मॉल कैंटीन मिल जाता है। तो अगर तुम मील खाना भूल भी जाते हो और बाद में तुम्हें याद आता है, तुम क्या कर सकते हो, कैंटीन में बैठ सकते हो और तुम यहाँ से मील खा सकते हो। तो मैं अभी चूज़ करना चाहूँगा फ़िश प्लेटर, क्योंकि फ़िश प्लेटर मेरे को हेल्थ 10% दे रहा है, 10% नहीं, 10 यूनिट्स हेल्थ दे रहा है और स्टैमिना 25 यूनिट्स दे रहा है। और यार, इस कैंप में तुम्हारी हैंडलर तुम्हारे लिए खुद खाना बनाती है। एनिमेशन छोटा है लेकिन होलसम है। ओके, तो हमारे हंटर रेडी है, तो अब चलते हैं कूलियकू की तलाश में। इससे पहले मैं थोड़े से स्लिंगर एमो कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यार कूलियकू की, अरे यार, तुमने वो मीम देखा होगा जहाँ पर मुर्गे खुद केएफसी की तरफ चल के आते हैं, तो अभी यहाँ पर यही हाल है। तो चलो वही करते हैं जो हम करने आए हैं। ये कर दिया मैंने वॉल बैंक, और क्योंकि स्विच एक्स हैवी हिटिंग वेपन है तो मैं सिंगल टाइम पे इसको टेंडराइज कर सकता हूँ। स्विच एक्स के दो मोड होते हैं, एक है एक्स मोड और एक है स्वॉर्ड मोड। स्वॉर्ड मोड पे देखना, तुम्हारे अटैक की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। काफी जल्दी भाग रहा है ये बंदा, आई मीन मॉन्स्टर, बहुत ही रैप्टर जैसे इसके। अरे यार, क्योंकि कूलियकू रैप्टर वगैरह से इंस्पायर्ड है, उसके मूव सेट भी रैप्टर जैसे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, टूल यूज वगैरह, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमें हंटर। और जैसे ही तुम, अरे यार मिस हो गया, रोल डॉज, फिर से अरे यार। तो ये होते हैं यार एंडेमिक लाइफ, है ना, तुम अगर किसी ऐसे एंडेमिक लाइफ के ऊपर स्टेप ऑन कर दो तो वो तुम्हें पैरालाइज कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ और तरह का उनका अटैक होगा तो वो कर सकते हैं। तो यार जैसे कि देख रहे हो हेल्थ कम हो चुकी है और मेरे वेपन का पावर अप भी कम होने वाला है। इससे पहले मैं इस पर लपक के इस पर एलिमेंटल डिस्चार्ज मारूंगा। तो यार ये होता है अपना स्विच एक्स। स्विच एक्स में क्या होता है ना, तुम स्विच में, स्विच मोड पे तुम स्विच ब्लेड चार्ज कर सकते हो और एक्स मोड पे तुम एक्स चार्ज कर सकते हो, और उन चार्जेस को एक साथ मिला करके जो भी तुम्हारे स्विच एक्स का एलिमेंट होता है तो तुम उस एलिमेंट को मॉन्स्टर के ऊपर डिस्चार्ज कर सकते हो। यार थोड़ा संभल संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि स्विच एक्स को यूज करने के लिए तुम एनिमेशन पे अटक सकते हो, और एनिमेशन में अटकने के बाद तुम मॉन्स्टर से वनरेबल हो जाओगे। तो यार ये कर लिया हमने एक्स मोड को चार्ज, और अभी करेंगे हम लोग स्वॉर्ड मोड को चार्ज। और जैसे ही चार्ज हो जाए मॉन्स्टर पर लपक जाएंगे और उसके ऊपर करेंगे एलिमेंटल डिस्चार्ज। तो यार एलिमेंटल डिस्चार्ज स्विच एक्स में बहुत बड़ा डैमेज देता है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो ये कर लिया हमने कूलियकू को खत्म। कर लिया हमने लूट, और जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर वाइट शाइनी गिरा हुआ है, तो मैंने वाइट शाइनी को पकड़ लिया, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा लूट। और हाँ, जैसे कि तुम देखोगे मेरे स्लिंगर एमओ में कैप्चर नेट लगा है, तो कैप्चर नेट से क्या कर सकते हो ना, तुम एंडेमिक लाइफ को ऐसे कैप्चर कर सकते हो और इनको अपने रूम में पेट की तरह रख सकते हो।
तुम किसी भी एंडेमिक लाइफ को कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर सब चीज इंटरैक्टेबल है। तो यार ये हंट कर लिया है हमने खत्म। अब करेंगे पूके पूके का हंट और यूज करेंगे एक अलग तरह का वेपन। So now we need to protect the scholars. Let's regroup at the Wildspire Waste. तो ये कर लिया हमने पूके पूके का मिशन सेलेक्ट। अच्छा एक और चीज, जैसे कि जब भी तुम कोई भी मिशन सेलेक्ट करते हो या फिर जब भी कोई हंट सेलेक्ट करते हो ना, तो तुमने किसी भी मैप पे जितने भी लोकेशंस वगैरह अनलॉक किए हैं उसके लिए तुम्हें फास्ट ट्रैवल के ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे। जैसे कि एंशिएंट फॉरेस्ट में जो पहला कैंप था वो एकदम एंशिएंट फॉरेस्ट की स्टार्टिंग पॉइंट पर था। तो लास्ट टाइम मैंने दूसरा कैंप भी अनलॉक कर लिया था, तो मैं अभी दूसरे कैंप में स्पॉन होना चाहूँगा, राइट। और मैं करूँगा वेपन चेंज। कोशिश करेंगे इस बार हंटिंग हॉर्न से खेलने के लिए, क्योंकि यार हंटिंग हॉर्न बहुत सारे लोग खेलते नहीं है क्योंकि उनको लगता है हंटिंग हॉर्न एक सपोर्ट वेपन है। क्योंकि हंटिंग हॉर्न में तुम आधे टाइम म्यूज़िक प्ले करते हो और आधे टाइम उन म्यूज़िक से मॉन्स्टर की धज्जियाँ उड़ाते हो। लेकिन अगर तुम हंटिंग हॉर्न खेलना अच्छे से सीख गए, अगर इस वेपन के साथ तुम एकदम जेल हो जाते हो ना, तो वन ऑफ़ द बेस्ट वेपन है गेम का। सपोर्ट तो नहीं, वन ऑफ़ द बेस्ट डैमेज वेपन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग खेलने वाले होते हैं हंटिंग हॉर्न, इनफैक्ट मैं अच्छे से हंटिंग हॉर्न नहीं खेल पाता टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा एवरेज हूँ मैं हंटिंग हॉर्न खेलने में। मेरे मेन वेपन से ग्रेट स्वॉर्ड, लॉन्ग स्वॉर्ड और इंसेक्ट ग्लेव। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा वेपन्स के साथ थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए। तो यार स्काउट फ्लाइज हमें रास्ता दिखा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम एंडेमिक लाइफ की बात करी थी, तुम ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ कीड़े हैं, तो यार मैं इनको भी कैप्चर कर सकता हूँ ऐसे। इसका भाई गुस्सा हो चुका है, चलो इसको भी कैप्चर कर ही लेते हैं। नाइस, ओके, तो इसको हम करते हैं अनइक्विप और मिल गया हमको पूके पूके। तो यार इस गेम में एक मैकेनिक है जिससे मॉन्स्टर दहाड़ता है और दहाड़ के कारण तुम स्टन हो जाते हो। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हंटिंग हॉर्न के ऊपर ईयर प्लग्स करके एक मूव सेट लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा उस मूव सेट को एनेबल करूँगा। तो मैं वो सब नोट्स को पहले मॉन्स्टर के ऊपर यूज़ करूँगा और एक बार वो सारे नोट्स आ जाए, जैसे कि मेरे इन्वेंटोरी में तुम देख सकते हो साइड में है, मैं थोड़ा सा दूर जाके वो सारे नोट्स प्ले कर दूंगा। अरे यार, तो देख रहे हो भले ही तुम म्यूजिक प्ले कर रहे हो लेकिन हंटिंग हॉर्न के साथ तुम बड़ा डैमेज भी कर सकते हो। देखो मॉन्स्टर ने दहाड़ा लेकिन हम लोग स्टन नहीं हुए, इसका ये मतलब है कि ईयरप्लग्स काम कर रहे हैं। और देखो जैसे कि अभी तुमने देखा एक्सटेंडेड हेल्थ रिकवरी का हमने नोट प्ले कर रखा है, तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये तुम देख सकते हो कि ज़मीन पे ही कुछ ऐसे हेल्थ के पूल्स आ जाते हैं जिसमें मेरा हेल्थ रिकवर हो जाएगा। अरे यार इसने पॉइजन कर दिया है मेरे को और मैं स्टन भी हो चुका हूं। अब मैं खत्म। बहुत ज्यादा बार अगर तुम हिट्स लेते हो ना तो तुम स्टन हो जाते हो। मिस कर दिया हमने वो शॉट। तो ये अच्छा शॉट था, एक और बार लगेगा, एक और बार। ओ नो, ये है।
यार इस गेम का टीरेक्स। अभी ना तो अपने पास इतना आर्मर है ना वेपन कि इससे लड़ सके, तो आधा काम इसको करने दो फूके फूके को मारने के लिए। अरे नहीं, ये अपनी तरफ की। नहीं नहीं नहीं, सिंगल हिट में देखो यार उसने कितनी लाइफ कम कर दी। बिल्कुल नहीं, सॉरी। कोशिश करूंगा इसके नाक के नीचे से निकलने के लिए। नहीं, कभी भी अगर ऐसे मॉन्स्टर के सामने आते हो जिससे लड़ने के लिए ना तो तुम्हारे पास वेपन है ना आर्मर है, बेस्ट है भाग जाओ। उससे लड़ने की कोशिश करोगे वो भी एकदम स्टार्टिंग गेम्स में, बिना मॉन्स्टर का नॉलेज हो करके, बिना वेपन का नॉलेज हो करके, तो पक्का मरोगे। तो यार सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मैं मेलोडी प्ले कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे एक अटैक बूस्ट मिल जाए। ओके, डॉज कर दिया हमने उस अटैक को। हेल्थ रिकवरी का मेलोडी प्ले कर लेता हूं। हो गया हेल्थ रिकवर, अब आते हैं इसको फिर से। ये है अपना स्पिन मूव, ये बेसिकली एलिमेंटल अटैक बहुत ज़्यादा करता है और स्टन अटैक भी बहुत ज़्यादा करता है। आई मीन स्टन अटैक सबसे ज़्यादा तो नहीं होता इससे। ओके, तो यार देख सकते हो अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर कदम रखा, हमारा जो इवेजन विंडो है यानी कि जो रोल करते टाइम हमारा इनवनरेबिलिटी फ्रेम जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं इवेजन विंडो। तो अगर तुम दोस्तों के साथ खेल रहे हो, हंटिंग हॉर्न का यही फ़ायदा है कि तुम जब भी मेलोडी इसको प्ले करते हो ना, तो उसका असर सिर्फ तुम पर नहीं तुम्हारे पूरी टीम पर होता है। यानी कि अगर तुम किसी हंट पे जाते हो तुम ज्यादा जल्दी उन हंट्स को खत्म कर सकते हो। ऐसे तो यार पुके पुके को कर लिया अपन ने खत्म। तो यार दो मॉन्स्टर ख़त्म कर लिए दो अलग अलग वेपन से, लेकिन अभी भी हंटिंग ख़त्म नहीं हुई है। अभी मैं कूलू यकू को फिर से तुम्हें हंट करके दिखाऊंगा एक नए वेपन के साथ। जैसे जैसे जब भी तुम किसी भी नए मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स या फिर उसके ट्रैक्स वगैरह कलेक्ट करते हो, उस मॉन्स्टर के रिसर्च पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। यानी कि स्काउट फ्लाइज को इजी पड़ जाता है उन मॉन्स्टर्स को फिर से ढूंढना। So now we need to protect the scholars. Let's regroup at the Wildspire Waste. Sorry, not join quest, but post a quest. तो हम चलेंगे ऑप्शनल कूलू यकू सेकेंड मैप पे, और इस बार मैं यूज़ करना चाहूँगा चेंज इक्विपमेंट। लेट्स यूज़ लांस।
तो यार लांस जो है वो बहुत ही स्लो हिटिंग वेपन है, बहुत ही डिफेंसिव प्ले स्टाइल है इसका, और पूरे गेम में लांस की जो शील्ड है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल शील्ड होती है, बहुत ज़्यादा डिफेंस होता है इसका। और जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा। तो यार ये चिड़िया फिर से यहीं पर है, चलो इस मुर्गे को अपने घर पे पहुंचाते हैं। एक दो और ये है वॉल बैंक, वॉल बैंक करने के बाद करेंगे टेंडराइज। लैंस के मूव्स बहुत सिंपल है, पोक 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 और फिर रन 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 पोक। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं ब्लॉक करना भूल गया और ये मैंने कर दिया सक्सेसफुल ब्लॉक। और ये था मेरा स्वीप अटैक। अगर तुम एनिमीज से सराउंडेड हो या फिर किसी कोई भी अगर स्मॉलर मॉन्स्टर से सराउंडेड हो तो तुम स्वीप अटैक कर सकते हो। अब जैसे कि देख सकते हो कूलुए को बहुत दूर भाग रहा है, लेकिन वो भूल गया मैं लांस प्लेयर हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, रन। और इससे स्टेमिना डिप्लीशन भी काफ़ी अच्छे से होता है, मतलब नॉर्मल रन से तो काफ़ी तेज़ होता है लेकिन डैमेज भी अच्छा खासा देता है। बहुत ही गलत जगह पे मैं उसको हिट कर रहा हूं। अरे यार मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मिस हो गया, मेरी हेल्थ कम है लेकिन मुझ में हिम्मत है। बहुत सही, तो यार देख रहे हो छिपकली छटपटाने लगा है। छिपकली को लगा था वो हमसे लड़ लेगा, लेकिन छिपकली को ये नहीं पता हम लोग बड़ा डंडा लेके उससे लड़ने आएंगे। और बड़े डंडे से मैं लांस की बात नहीं कर रहा, मेरे महाराष्ट्रीय ऑडियंस समझ पाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट जोक्स असाइड, जैसे कि तुम देख सकते हो लांस हैवी हिटिंग वेपन है, लेकिन उसके एनिमेशन या फिर कह सकते हो उसका DPS काफ़ी स्लो है, तो डैमेज नंबर रिलेटिवली हैवी तो रहते हैं लेकिन तुम डैमेज स्लोली करोगे। यार इसने पत्थर उठा लिया है, ओके ओके रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मिस हो गया, अभी हेडशॉट लगना था लेकिन इसने मुझे हेडशॉट लगा दिया। तो अभी जो मैंने किया है ना वो है पावर गार्ड, और वो काम कर रहा है तुम गार्ड के साथ लाइट अटैक बटन अगर दबाओ, और अगर तुम्हारा पावर गार्ड सक्सेसफुल हो तुम उसको फॉलो अप कर सकते हो अपने एक और अटैक के साथ जो कि नॉर्मल अटैक से ज़्यादा डैमेज देगा। तो यार अब करते हैं कूलू यकू का पीछा।
मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बार हेडशॉट लगाने की, और एक खत्म। तो यार ये था बड़ा डंडा, और इस बार मैं लांस की ही बात कर रहा हूँ। जैसा कि तुमने देखा बहुत ही स्लो हीटिंग वेपन है, लेकिन वेपन का डैमेज यूजुअली दूसरे वेपन से ज़्यादा रहता है। तो यार अगर तुम्हारा स्टाइल थोड़ा डिफेंसिव हो तो तुम लांस का यूज़ कर सकते हो, और लांस के शील्ड से तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, मान लो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन हो और वो तुम्हारी तरफ आग फेंके, तो लांस की शील्ड से तुम खुद को ही नहीं अपने पीछे वाले टीममेट को भी बचा सकते हो। तो यार सबके अपने प्ले स्टाइल के लिए एक एक वेपन। उस कैस्टिडॉन को मैंने बेकार में ही मारा, क्या मुझे अफसोस है? शायद नहीं। तो यार ये हो गया कुलुयकू का हंट लैंस के साथ। So now we need to protect the scholars. Let's regroup at the Wildfire Way. तो यार मूव करने से पहले मैं तुम्हें एक और पूके पूके का हंट दिखाना चाहूँगा, और इस वेपन को मैं कहता हूँ कैप्टन लीवाई वेपन, और ये है ड्यूअल ब्लेड्स। यार ड्यूअल ब्लेड्स क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना ड्रेनिंग वेपन है। इसको जब भी तुम यूज़ करते हो तो कोशिश करना तुम्हारे आर्मर स्किल्स तुम जितना स्टैमिना मैनेजमेंट पे रख सको वही वाले आर्मर स्किल्स यूज़ करना चाहिए। तो ले लिया है मैंने ड्यूअल ब्लेड्स, और ड्यूअल ब्लेड्स एक लाइट हिटिंग वेपन है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मॉन्स्टर को टेंडराइज करने के लिए उसको दो बार हिट करना पड़ेगा। तो चलते हैं पूके पूके के पास। यार ये सीन देखो यार, सूरज की किरणें जब जमीन को छूती है, हमने मिस किया मिस किया। अरे नहीं 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 नहीं, इससे पहले कि नहीं, पूरा हुआ। गेम का एक और मैकेनिक दिखाना चाहता हूं तुम्हें। तुम मॉन्स्टर को लेकर के मॉन्स्टर के ऊपर कोलाइड कर सकते हो, और इससे दोनों मॉन्स्टर स्टन हो जाएंगे। तो इसी टाइम को लेकर के मैं इसको कर देता हूँ टेंडर राइस एक और बार। और ये मैं हो गया स्टन, मॉन्स्टर की दहाड़ से तुम स्टन हो सकते हो जैसे कि मैंने बोला था। अरे भाई अगर यहां पर मैं फंस गया तो मैं खत्म। तो जितना टाइम है यार, गेम का ये बहुत अच्छा मैकेनिक मुझे लगता है, जहाँ पर एनवायरनमेंट का यूज, और एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है सिर्फ क्या कहते हैं पेड़ पौधे ही नहीं, तुम दूसरे मॉन्स्टर को यूज करके दूसरे मॉन्स्टर को मार सकते हो। तो बेसिकली अभी जो टीरेक्स, अरे यार गिरगिट भी यहाँ पर है, इसको करते हैं एग्रो, और इसको लड़वाते हैं फूके फूके, और ये हमने कर दिया इन दोनों को कोलाइड। डुअल ब्लेड करते हैं चार्ज और लग जाते हैं काम पे। जैसे कि तुम देख सकते हो डुअल ब्लेड बहुत तेज हिटिंग वेपन्स है। ग्रेट जेग्रोसी सिर्फ मेरे पर ही एग्रो हो रहा है। टू बैड। डैमेज कर, नाइस।
तो इसको हमने कर दिया स्टन। वैसे आधा काम तो इसमें ग्रेट जेग्रोसी ने ही कर दिया और ग्रेट जेग्रोसी भी हो गया स्टन। बच गया, बहुत क्लोज था वो। काफी बड़ी दहाड़ थी वो और मैं हो गया हूँ स्टन। ड्यूअल ब्लेड भी बहुत ज़्यादा स्टैमिना ड्रेनिंग वेपन है दोस्तों, तो संभल के यूज़ करना तो बनता ही है। कोशिश कर रहा हूँ इसकी पूंछ को काटने की, लेकिन इसका सर बीच में आ गया। तो जैसा कि देख सकते हो ये ऑलरेडी थक चुका है। और अभी चलते हैं हम इसके बसेरे पे। आई गेस ये सिर्फ एक फ्लिंच शॉट बाकी है खत्म होने से, तो वही करेंगे, इसके बसेरे पर चलेंगे, एक फ्लिंच शॉट मारेंगे और गेम खत्म, हंट खत्म। गेम खत्म होने के लिए तो अभी बहुत टाइम बाकी है। यार मुझे इससे नफरत है, ये कहीं पर भी आ जाता है। ना 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 ना, ना। मुझे लगा मैं छुप जाऊंगा। ओ ओके ओके, शायद वो हमसे लड़ना नहीं चाहता, शायद वो मुझसे डर गया। As he should. Watch out. Slinger attacks have no effect against an enraged monster. तो जैसे कि मैंने कहा था, स्लिंगर के अटैक से गुस्सैल मॉन्स्टर पे ज्यादा असर पड़ता नहीं है। क्लोज कॉल था, हील कर लेते हैं खुद को पहले। नीचे आ, नाइस। तो यार बड़े स्टाइल से हमने इसको खत्म किया, एकदम अटैक ऑन टाइटन के कैप्टन लीवाई स्टाइल पे। तो ये हंट भी हो चुका है खत्म, तो ये है एक और एंडेमिक लाइफ। वैसे कहने के लिए तो एंडेमिक लाइफ है, लेकिन इनको शायद कैप्चर ना कर सके क्योंकि ये हमको डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि तुमने देखा, हम कैप्चर इनको नहीं कर सकते। टेक्निकली इस गेम के ये मच्छर हैं, तुमको कभी भी ये लोग पैरालाइज कर सकते हैं, जैसे कि उस मेढक ने हमको किया था। हट। तो ये तो फ्लिंट शॉट मारूंगा। अरे यार मेरे पास एमो नहीं था, तो फ्लिंट शॉट इसको लग। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं जहर पर खड़ा हूँ लिटरली। लेकिन अच्छा है हंट खत्म हो चुका है, तो मुझे डैमेज नहीं लग रहा। तो यार ये एक और तरीका है एनवायरनमेंट का यूज़ करने के लिए। तुम अगर किसी भी पॉइजनस प्लांट को डैमेज करते हो ना, तो वो जहर नीचे गिराने लगता है। और उस जहर को अगर तुम किसी मॉन्स्टर को उसके अंदर बेट कर सकते हो, तो उस जहर का असर उस मॉन्स्टर पर होने लगता है और तुम उसको पैसिव डैमेज पहुँचा सकते हो। तो देखते हैं हमारा नया क्वेस्ट हमारे लिए क्या रखता है, द बेस्ट काइंड ऑफ क्वेस्ट। तो यार इस क्वेस्ट के लिए पहले तो मैं अपना वेपन कर लेता हूँ चेंज। मैं यूज करूंगा इस बार लॉन्ग शॉट। पोस्ट ए न्यू क्वेस्ट असाइंड। और जब भी देखना कब किसी भी क्वेस्ट में अगर इस टाइप का आइकन बना आता है ना, वो बेसिकली एक एक्सपीडिशन क्वेस्ट होता है। यानी कि तुम एक मैप को डिस्कवर करने जाओगे और हो सकता है तुम्हें वहाँ पर लड़ने को मिले या हो सकता है नहीं।
मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही देख लो। तो अटके हुए हम लोडिंग स्क्रीन पे। रिक्वेस्ट हो चुका है लोड और ये हम चल दिए। दोस्तों ये है हमारा नया मैप जिसका नाम है वाइल्ड स्पायर वेस्ट। देख सकते हो कितना खूबसूरत इकोसिस्टम है यहाँ का और ये है अपनी खूबसूरत हैंडलर। तो यार इस मिशन में हमको क्या करना है ना, इनको सेफली एस्कॉर्ट करना है एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट तक। तो यार ये है चीटिया। श्योर पार्टनर। तो यार मैं तुम्हें बता देता हूँ, वाइल्ड स्पायर का मतलब है, स्पेशली स्पायर का मतलब है कि चींटियां या फिर दीमक जो भी मिट्टी से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, उसको कहते हैं स्पायर्स। और यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स भरे हुए हैं। तो इसीलिए इस इकोसिस्टम का नाम है वाइल्ड स्पायर वेस्ट। वाइल्ड स्पायर क्योंकि वाइल्ड स्पायर से ये भरा हुआ है, वेस्ट क्योंकि बहुत ही डेजर्टेड एरिया है ये। और ये तुम देख सकते हो ये जो बड़ा सा वाटरफॉल है वो बेसिकली एंशियंट फॉरेस्ट की तरफ से आ रहा है। जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे लीनियन रिसर्चर्स जो है वो तुम्हें एनवायरनमेंट के बारे में और कुछ बता रहे हैं, और वो शायद मेरे से ज़्यादा बता पाए क्योंकि मैंने भी इन्हीं से एनवायरनमेंट के बारे में जाना है। ऐसे छोटे छोटे डायलॉग्स वगैरह है जो इस गेम में NPCs वगैरह बोलते रहते हैं, अगर तुम उनको ध्यान से सुनते हो और समझते हो, क्योंकि मेरे गेम के ऑलरेडी एक दो प्ले थ्रूज है, एक दो नहीं एक प्ले थ्रू है जहाँ पर मैंने 600 घंटे दिए हैं, तो गेम का लोर वगैरह अच्छे से मुझे समझ आता है। और मैं तुम्हारे लिए वो स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा जब तुम ये गेम खेलो तब अच्छे से उस लोर को एक्सप्लोर कर सको। जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे रिसर्चर्स यहाँ के फ्रूट्स वगैरह के भी बारे में बताते हैं। फ्लैशबग बेसिकली एक ऐसा बग है जो एक बहुत बड़ा फ्लैश क्रिएट करता है और तुम मॉन्स्टर्स को इससे स्टन कर सकते हो। Downhill might be worse. This is so heavy. अरे इन लोगों को फुर्सत है नहीं, इनका साइज देखो। तो यार बेसिकली इस गेम के यूनिवर्स में ह्यूमंस की भी या फिर कह सकते हो कि इंटेलिजेंट स्पीशीज़ जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, उसके भी अलग अलग स्पीशीज़ है। जैसे कि हम है ह्यूमंस, हंटर्स और ये है लिनियंस। चलिए तुम्हारे लिए चेक भी कर लेंगे। यार इससे पंगा लेने की हालत में हम लोग है नहीं। यह है काफी हाई लेवल का मॉन्स्टर।
इनफैक्ट अपने एंजनाथ या फिर कह सकते हो अपने टीरेक्स से भी हाई। तो स्लिंगर यूज करके हम लोग इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे। कुछ ज्यादा ही दूर हो गया वो। फिर से करेंगे हम इसको डिस्ट्रैक्ट ऐसे एक बार और। अरे बाप रे यार, अगर तुम्हारे हाथों में कंट्रोलर हो ना तो कंट्रोलर का जो फीडबैक आता है वो इस गेम को और ज्यादा डरावना और ज्यादा मजेदार बनाता है। इसके नाक के नीचे से निकल गया अपन, इसको पता भी नहीं चला। Hell hath no fury like a Rathian scorn. Well, like any Rathian, actually. But she could provide the commission with valuable data. Hunter, I couldn't trouble you for a sample, could I? यार सैंपल से इसका ये मतलब नहीं कि रैथियन फुटप्रिंट्स कलेक्ट करने हैं। सैंपल से इनका ये मतलब है कि पूरे रैथियन को कलेक्ट करना है। पूरे एनवायरनमेंट में तुम्हें बहुत अलग अलग तरह के एमोस, बहुत अलग अलग तरह के रिसोर्सेस मिल सकते हैं। जैसे कि अभी तुमने देखा मैंने पत्थर से एक पेड़ पर मार गई, उसके फल वगैरह गिरा दिए और उस फल को अभी मैं एमो की तरह यूज कर सकता हूँ। ओके, ये है हमारे नए डायनासोर्स एप्सरोस। चलो इसके डिजाइन को एक बार पढ़ के देखते हैं। ये है एप्सरोस और जैसा कि तुम देख सकते हो एप्सरोस का डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। यार मैं डायनासोर का नाम भूल गया हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो कमेंट करके नीचे बताओ। तो यार जब भी एप्सरोस वगैरह डरे हुए होते हैं या फिर जब भी एप्सरोस वगैरह किसी मॉन्स्टर से चेज हो रहे होते हैं तो वो लोग ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाकर या फिर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाकर बैठ जाते हैं और इनकी पूंछ बाहर की तरफ रहती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके खुद को। डिजाइन भी तुम देख सकते हो, ऊपर का जो शेल है वो टर्टल की तरह है। डायनासोर का नाम जितना मुझे याद आ रहा है एनकाइलोसोर। यस, एनकाइलोसोर। तो जैसे कि तुम देख सकते हो यार एप्सरोस बेसिकली एनकाइलोसोर, टर्टल और क्या कहते हैं स्टेगोसोर का मिक्सचर है। उसका शेल वगैरह तो टर्टल की तरह है, हेड जो है वो एनकाइलोसोर की तरह है और उसका टेल जो है वो स्टेगोसोर की तरह है जिसको कहते हैं थैगोमाइजर। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग डिजाइंस है। अगर तुम्हें डायनासोर वगैरह पे इंटरेस्ट हो तुम्हें ये गेम बहुत पसंद आएगा। अभी हम नए ट्रैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और शायद ये किसी मॉन्स्टर का मूत है जो भी हो, तो होपफुली एक नया मॉन्स्टर हमें फाइट करने को मिले, जो कि मिलने वाला हो पर मैं बताऊंगा नहीं। तो यार ये है ज़ोरा मैकडरोस के ट्रैक्स। और ये है वाइल्ड स्पायर वेस्ट का सबसे बड़ा वाइल्ड स्पायर। देखकर बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है कि जितने भी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं वो ओके। तो ये है नए मॉन्स्टर बैरोथ।
Boom. Come on. बहुत ही मजेदार डिजाइन है इस मॉन्स्टर का भी. बेसिकली एक बुल और पैकिसेफिलोसॉरस का मिक्सचर. तो यार इसको स्टन करने के लिए बहुत ही ज्यादा खुला मैदान है, इसको वॉल बैंग भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको टेंडराइज जरूर कर सकते हैं. अरे यार, तो बैरोत का यार ये सिग्नेचर मूव है, वो खुद को मड में लपेट लेता है और उस मड को यूज करता है हमें स्टन करने के लिए या फिर हमें स्लो डाउन करने के लिए. तो ये कर लिया अपन ने टेंडराइजर का पहला पैर और अब करते हैं अटैक. दैट वॉज एम्बैरेसिंग. तो दहाड़ के टाइम भी यार तुम फोर साइड स्लैश कर सकते हो अगर सही टाइम पे दबाया तो. फिर से पड़ गई, ये कर दिया फोर साइड स्लैश. अरे यार नेक्स्ट शॉट मिस हो गया. अगर तुम नेक्स्ट शॉट को मिस नहीं करते, अगर तुम नेक्स्ट शॉट को मिस नहीं करते तो तुम्हारा स्पिरिट गेज जो है वो पूरा फुल हो जाता है. आई मीन नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है. ये देखो जैसे ही, अरे यार नहीं, और ये मैं हो चुका हूं स्टन. अगर मुझे एक हिट पड़ा तो मैं खत्म, लेकिन इससे पहले मैं कर लूंगा खुद को हील. तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो वेपन का शार्पनेस बहुत जल्दी कम हो रहा है, क्योंकि मैं इसके ऐसे हिस्से पर हिट कर रहा हूं जो कि टेंडराइज नहीं है. सही टाइम पे मैंने फोर्थ फ्लाइट नहीं किया. यार फिर से फोर स्लाइड मिस हो गया. इसके दहाड़ बड़े ही सरप्राइजिंग होते हैं यार. तो ये कर लिया हमने इसको स्टन, और ये मौका है इस पर बड़ा डैमेज देने का. तो ये मैंने कर लिया कॉम्बो कंप्लीट. इतनी जल्दी नहीं यार. तो यार वेपन की धार कम हो चुकी है, वेपन को थोड़ा शार्पन कर लेते हैं और बैरोथ को आगे बढ़ने देते हैं, क्योंकि बैरोथ के बारे में एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. और तुम देखोगे कि मॉन्स्टर के डिज़ाइन कैसे रियल लाइफ एनिमल्स के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है. यार अगर इतने वेट में मैं इतना कूद जाऊँ ना तो बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. बहुत हो गया, बहुत भाग लिया तू. इसको कर दिया है मैंने वॉल बैंक और मैं अब इसको दूंगा बड़ा डैमेज, क्योंकि मेरा रेड स्पिरिट गेज फुल है तो मैंने इसको दे सकता हूँ स्पिरिट हेल्म ब्रेकर. और मैंने एक काट दिया है इसकी पूंछ और बैरोथ खत्म. तो यार ये देखो, जब कटी हुई पूंछ है, जब किसी मॉन्स्टर से तुम कोई भी पार्ट काट देते हो ना, तुम उसको अलग से ही ऐसे फार्म कर सकते हो. और हमें मिला है बैरोथ टेल.
बहुत ही मजेदार हंट था दोस्तों। गेम में 600 घंटे डालने के बाद जब तुम एकदम ओवर लेवल हो जाते हो और फिर एकदम शुरू से तुम फिर से गेम को शुरू करते हो तो थोड़े हम्बलिंग से फील आती है, लगता है कि तुमने कहां से शुरू किया था और कहां तक पहुंच चुके हो। इनफैक्ट मेरे को बैरोथ को हंट करे हुए ही बहुत सारा टाइम हो चुका है, काफी टाइम से मैंने बैरोथ को हंट नहीं किया, तो बहुत ही फ्रेश एक्सपीरियंस लगा है मुझे भी। और ये कर रहे हैं ज़ोरा मैकडोरोस की टट्टी कलेक्ट, आई मीन टेक्निकली लावा है वो तो। Glad you're back. Oh, don't worry. I found a safe place for the scholars to hide. I guess I'll go round them up. Wait for us back at camp. You there. Are you part of the Fifth Fleet? Then that means the Elder Crossing is upon us again. The years fly by faster than I can count them. I too am a hunter of the First Fleet. और ये हंटर यूज कर रहा है इंसेक्ट ग्लेव। To share your tale with me. Let's find a suitable place. So, my old friends are well. Praise be. It sounds like the good scholars are as incorrigible as ever. Might I ask, are you tracking the monster that dropped that massive slag? I as well. It seems so easy. Follow the trail, find the truth. Well, it has been a pleasure. Nearby you will find my camp. I trust it will be of some avail to you and the others. Please pass a message on to the commander that I am safe. But a force compels me on, and I intend to see where it takes me. If you too feel so compelled, then we will cross paths again at the end of all. Was that who I think it was? तो यार ये हंट हो चुका है खत्म और इंट्रोडक्शन हुई है हमारे नए एक नए कैरेक्टर से, एक नए एनपीसी से जो फर्स्ट फ्लीट का एक हंटर है और ये भी चला हुआ है अपने खुद के रास्ते पे, खुद के इन्वेस्टिगेशंस पे। Okay, fine work out there. Thanks to you, our people are in safe hands. Our people are safe, and we know more about our target than ever. Since you left, we've been charting all the evidence we've collected across the continent. The scholars think they'll be able to pinpoint Zora Magdaros' location soon. Until then, okay. Seems like a scholar has gotten separated from his escort. I need the fifth to go find him and guarantee his safety. The scholar was separated from his escort while collecting evidence in the Wildspire Waste. Head to the Wildspire Waste immediately. तो यार एक और कैंप हमने कर लिया अनलॉक। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए और आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही और इसके साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। यार उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और मैं तुमसे मिलता हूँ मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पे। सायोनारा।